नमस्कार, मैं हूं मोहित वर्मा और आप ये लाइव सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस समय जिला यमुनानगर के माली माजरा गांव की, और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। एक बार एक तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। ये जो बुजुर्ग अम्मा जी है जिसके हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, कट आई हैं, तो मैं आपको बता दूँ घर की महिलाओं पर जो है कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने जो है यहाँ पर ताबड़तोड़ रात को जो हमला किया था। एक बार इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पूरा मामला था, क्योंकि गांव के अंदर इस प्रकार से 6 से 7 युवक जो यहां पर गाड़ी में सवार होकर आते हैं, दारू में धुत आते हैं जैसा कि गांव वालों का कहना है, और जिनके परिजनों को चोट आई है उनका कहना है कि इनको गंभीर चोटें आई हैं और शराब के नशे में वो लोग यहां पर आए थे। एक बार जानने का प्रयास करेंगे क्या कारण रहा है, क्योंकि एक बार पूछने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है जी। क्या बात हुई थी, क्या आप उन लड़कों को जानते हैं? हाँ जी, जानता हूँ जी। मैं यहाँ पे जो जगाधरी में ठेके हैं इन पर काम करता हूँ, जो जगाधरी के ठेके हैं जी। तो मैं वहाँ से रात के टाइम आ रहा था पेमेंट लेके जी। तो जैसे मैं बूढ़े चुंगी पहुँचा तो दो लड़के पैदल चल रहे थे रोड पे, दारू पी रखी थी उन्हें जी। तो जैसे बीच में आए रोड के, मेरी बाइक के आगे आ गए थे वो, तो मैंने उन्हें रुक के कहा, मैं कहा भाई साइड में हो लो। तो उन्हें मेरे साथ वहाँ बहस की, तो मैंने उनको कहा कि मैं भाई तारे गुआंढी हूँ, मतलब पड़ोस के गाँव का हूँ। मैंने उनको शक्ल दिखाई तो मैं वहाँ पर गाड़ी क्लोज करने लग गए, तो मैं वहाँ से निकल गया था। मैं आगे सीधा घर रुका, आगे बस जूते ही निकाल लेते। इतनी देर में वो एक बाइक पे थे और गड्डी में थे। इतनी देर में आके वो यहाँ मतलब घर के बाहर खड़े हो गए। मम्मी ने कुंडा लगा लिया था अंदर का, तो मम्मी ने जैसे कुंडा खोला तो वो अंदर आके उन्हें एक लगत मेरे ऊपर हमला कर दिया। मम्मी और जैसे बीच में बड़े तो इनके भी हाथ में चोट लगी। तो देख सकते हैं जो अम्मा जी है इनको गंभीर चोटें आई है। क्या क्या हुआ था अम्मा जी? बेटे ने नहीं पता मैंने क्या हमारे हाथ पर क्या नहीं, मैं तो लौंडे ने पकड़ू थी, मेरे बच्चे ने ना मार गया कभी। इसे लड़के को मारने आए थे? हाँ। तो आपको कैसे लगी है चोट? मैं इस ने गंडा से मारी उन्होंने हथियार लेके आते हुए। इसके अगर रोको तो इसने अपने अगर कर लिया था, मैंने इंटा भी मार गया, इंटा मारी, इंटा पड़ी। तो आपको भी लगी है चोट? हां जी। मांस पट क्या कुछ लिया हुआ था उन्होंने हाथों में? उसमें कार में से निकाले उन्हें गंडासी में दूध दे के में पिप लेर तो उनके टक्कर मार रहे ठा ठा के ये सिर में लगे बल्क मा जी जी। आप पहले उसे उन्हें जानते हैं? हाँ जी। हाँ, मादलपुर के था हमें अपने गंड का। आपसे दुश्मनी है कोई या फिर वैसे? ना ना, वैसे दुश्मनी कोई भी नहीं है। क्या कर रहे थे उस समय, जिस समय एकदम से ताबड़तोड़ उन्होंने हमला किया? हम तो नहीं, जैसे लड़का आए तक नहीं, बाहर से पेमेंट लेके आए थे वो जी। या का कपड़े कुपड़े बदलने लगा, हम कुंडा लागे इसके बाहर देख रहे थे, कुंडा लाकर बस पड़ गए थे हम मौके पड़ेंगे। फिर वे आए नुका कुंडा खोले नुका अभिषेक, मखा भाई कौन है, मखा पहले नाम बताओ अपने, नुका अभिषेक से मिलना, मखा नाम तो बताओ कौन है, नुका मादल पर क्या के दोस्त है, नुका बोलो ते मिलना। फिर कुंडा खोला मैंने, जैसे ये लड़का बाहर है ना अफा दफी करी, हम जो ऐसे करा नहीं, उन्हें मम्मी का तो गंडा सी मार यहाँ पे हो, और फिर मेरा ईट मारी फेंक के, यानी कि अंदर पड़ गए घर में। फिर जो से कैसे लिया लड़का सारे ठहले गए 50,000। हाँ जी, पैसे भी लेके निकाल के। मेरा बंटी है जी। हाँ जी बंटी जी, क्या कुछ हुआ था आपको, कब पता चला? मैं तो जो सर हम तो अंदर पड़े थे, तो अचानक रुका हो उतरे साथ के साथ बाहर आए निकल के एकदम। पहले देखा हो लठ पर, यानी कि गुंडासिया चला रहे पूरी, यानी कि लठ पेल रहे थे इनके पर। हाँ जी, 50,000 रुपए लेके आया था कैश ठेके पे लग रहा ना जी, तो कैश थे इसके जेब में, वो भी लेके निकाल के इसके जेब में से जी जी। तो अम्मा आपके काफी ज्यादा चोट आई है? हाँ जी। तो सर रात ने खून बंद होया इसका जी। तो देख सकते हैं छोटी सी आपस में एक कहा सुनी हुई थी, दारू पिए व्यक्ति ने इस व्यक्ति को रोका, तो उसके बाद जो है घर पर पहुंच जाते हैं, कार में सवार होकर आते हैं, शराब के नशे में आते हैं, और उसके बाद जो घर पर है ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। उसके बाद घर की जो महिलाएं हैं उनको, एक बुजुर्ग अम्मा जी हैं और साथ ही साथ इनकी जो व्यक्ति की माता जी है, उनको गंभीर चोटें आती हैं। गांव वालों से एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे, गाँव में जिस प्रकार से बाहर के लड़के आ जाते हैं, कहाँ तक सही सेफ लग रहा है? 10 बजे का टाइम बता रहे भाई, 10 बजे टाइम हुआ। तो क्या लगता है आपको, जैसे बाहर से लड़के आके हमला कर देते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है ना हमला करना ऐसे, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था सही नहीं है? सही नहीं है बिल्कुल भी इस प्रकार की जो बात। सर कितने लोग बताए जा रहे हैं जो आए थे, आपने देखी थी? हाँ देखे थे जी। तो ताबड़तोड़ एकदम से हमला कर दिया एकदम, एक मोटरसाइकिल थे जी, और जी कुछ कार में थे, 7-8 बंदे होंगे, 9 होंगे। पर आप लोगों ने बचाने का प्रयास किया या वो पहले? नहीं, पहले तो भागे गंदे देखे जी। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अंकल जी? क्या भाई, ये तो बहुत ही बुरा वाक्य है जी, मतलब इतने आदमी एकदम आके मादर पर से आके हमला कर दिया, घर में बढ़ गए 7-8 आदमी थे जी, कल किसी और पे भी कर सकते हैं। इनका कहना है कि चौकी में गए हैं। हाँ चौकी में गए, अभी तक कोई कोई नहीं आया जी, अभी तक चौकी से रात ही गए चौकी में, अब तक बूढ़े थाना है जी, कोई गिरफ्तारी कुछ नहीं आया जी, कोई नहीं आया अभी तक। लड़कों की शिनाख्त पूरी हो रखी है?
मतलब कि लड़कों को जानते हैं आप लोग? नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर लड़के जानते हैं हमारे साथ पहले, जान पहचान के। हां बस, हां इनके जान पहचान के, हम तो जानते नहीं इसको। हां जी, गांव के माधव। तो अमादलपुर कर करेंगे कहीं ना कहीं, डर मुसलमानों के लड़के हैं जी 8-10। अच्छा, हां जी, ये मुसलमानों के लड़के हैं जी। हां जी, डैडी वाले हैं, हां उन्होंने हमला करे जी। तो कोई आपसी रंजिश नहीं, कुछ नहीं जी, बस तो देख सकते हैं तस्वीरें पास के गांव के, जो पास के गांव के कुछ युवा यहां पर पहुंचे थे शराब के नशे में, बताया जा रहा था कि शराब के नशे में आए हैं और दरख्वास्त इन्होंने दे दी है नज़दीकी बुढ़िया जो थाना है वहां पर इन्होंने दरख्वास्त दे दिया। पर लेकिन गाँव वालों का कहना है कि अभी तक कोई भी संतोषजनक जो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। एक बार जानने की कोशिश करेंगे क्या कार्रवाई चाहते हैं उनके खिलाफ। कार्रवाई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी। अच्छा कुलदीप जी, क्या कुछ करना है, क्या कार्रवाई चाहते हैं जिन्होंने आपके माता जी को, आपके घर वालों को मारा पीटा है और उस तरह? हम ये चाहते हैं उनको सजा दी जानी चाहिए जी। तो आप लोग जानते हैं शक्ल से? हाँ बिल्कुल जानते हैं जी। नाम भी लिखवाए हैं दरखास्त में? हाँ जी। उन सबके, लेकिन अभी फोन आया है? अभी बिल्कुल नहीं आया जी फोन जी। कोई एक का नाम पता, एक का तो ना जी मैं, वो इनकी डायरिया नाम दूसरे का वो। तो मैं आपको बता दूं कि नाम आस पड़ोस के गांव का ही बताया जा रहा है। डायरी है यहाँ मादलपुर अड्डे पे उनकी। किस नाम से उनकी डायरी? कई डायरी मतलब अड्डे भी है। तंग करते थे आप? हाँ पहले भी करती होंगे, नशे में रहते हैं फिर तो करती होंगे तंग जी। पता था कि पैसे होंगे आपके पास? तो उन्हें सब ने पता है कि मैं ठेके पर लग रहा हूं। लूट पोट का भी इरादा था? लूट पोट का इरादा था। और आपका पैसे नहीं दिए तो फिर आपके हमला किया गया? हाँ जी। और मार बच्चे के लिए जो मेन रास्ता यही है गया, कल कुछ भी बातें सका, कुछ भी कर सका। आज तो माता जी आपके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ? कल लाट का घर में और का मार सका जो है मामला है। हम चाहते हैं जो प्रशासन मार साथ बच्चे हमारे होते हैं जी, ये इन बच्चों ने खत्म करेंगे तो और माता का राज हम आप पर क्या राज गया फिर ये आदमी दोनों ससुबु और रंड भी राम जी। तो फिलहाल देख सकते हैं काफी परेशान है क्योंकि गंभीर चोटें आई हैं और एकदम से गांव के अंदर हमला कर देना तो कहीं ना कहीं जो है कानून पर सवालिया निशान खड़ा होता है क्योंकि छोटी सी बहस होती है और बिना डर के जो युवक हैं वो गांव के अंदर घुस जाते हैं और जो है इस घर के अंदर जो सामने आपको घर में दिखा रहा हूं इस घर के अंदर जो है हमला कर देते हैं। तो आइए एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो बुढ़िया थाने के जो SHO से एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई अब तक अमल में लाई गई है। धन्यवाद। सर एक मामला जो है सामने है, सर क्या कुछ करना चाहेंगे इसके विषय? हमारे पास रात कोई 10-11 बजे अंजना सन ऑफ प्रदीप कुमार वासी माली माजरा जी, वह इसी प्रकार दूसरे पक्ष के नाजिम सन ऑफ मोहम्मद सगीर वासी मादलपुर की आपस में दरखास्तें प्राप्त हुई है और मेडिकल भी है, अभी दोनों पक्षों को आमनी सामनी करके जांच की जाएगी। सर क्या बताया जा रहा है कितने व्यक्ति थे जिनके द्वारा मारपीट की गई है? दोनों पार्टियों ने 4-5 के नाम लिख रखे हैं आपस में एक दूसरे ने। सर क्या कोई पुरानी रंजिश वगैरह कुछ लिखवाई गई हो इसमें? अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे से। ठीक है सर, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? अभी जैसा भी होगा रिजल्ट लेके मुकदमा दर्ज करेंगे जी, और अगर जिसका कसूर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।